स्वागत है आप सभी का नंबर्स की दुनिया में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास टेंथ का है, लेसन है रियल नंबर्स, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। अब रीड करते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, तो क्वेश्चन में बेसिकली ये बताया है कि एक हमारे पास नंबर है 6 और उस पे डिग्री या पावर है एन, और उसमें हम उसको पावर या डिग्री को कोई भी एक नंबर नेचुरल नंबर ले सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 50, 100 कोई भी नंबर हम उसका पावर ले सकते हैं। ठीक, यहाँ तक तो क्लियर हुआ। देन उसमें बोला है कि जब हम इसको इस तरीके से लिखते हैं 6 to the power n, मतलब 6 पे पावर 1 हो सकता है, 6 पे पावर आपका 2 हो सकता है, 6 पे पावर आपका 3 हो सकता है। तो जब हम इसे लिखते हैं तो 6 to the power 1 क्या होता है, 6 को एक ही बार लिखना है। जब हम 6 to the power 2 लिखते हैं तो इसका मतलब होता है 6 into 6, मतलब 6 6 36 होता है। 6 to the power 3 means 6 multiply 6 multiply 6 means degree 3 है, तो 3 times multiply करेंगे तो 216। यहाँ तक हो गया। देन उन्होंने क्या बोला है कि जब हम इसे सॉल्व करते हैं, जब हम डिग्री लगाते हैं, पावर लगाते हैं नेचुरल नंबर n के साथ, तो ये जब सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पे हमें वंस प्लेस पे, मतलब लास्ट का जो डिजिट है, क्या ये मल्टीप्लाई करने पे हमें जीरो मिल रहा है। तो जब हम यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं, जब हमने इसको 2 times मल्टीप्लाई करा है, जब हमने इसको 3 times मल्टीप्लाई करा है, तो लास्ट यानी वंस प्लेस पे हमें 6 ही मिल रहा है। ये 6 क्यों मिल रहा है, क्योंकि 6 into 6 36, देन अगेन 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जितनी बार भी ये 6 मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमें वंस प्लेस पे 6 ही मिलता रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लीकेशन करने पे हमें वंस प्लेस पे हमेशा हमें 6 ही मिलेगा, हमें 0 कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। अभी ऐसा क्यों हो रहा है, तो अगर हम इसके फैक्टर्स करते हैं 6 के, तो 6 के जब हम फैक्टर्स करते हैं तो 2 की टेबल में ये 3 टाइम्स में आता है और 3 1 बार में, तो 6 के क्या फैक्टर्स हुए, 2 multiply 3, तो ये इसके फैक्टर्स हुए। तो अब हमें चाहिए था 0, वंस प्लेस पे हमें 0 चाहिए था। जब हम 6 को मल्टीपल टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वंस प्लेस पे 0 चाहिए था, और ये कब हो सकता था, तो अगर हम 10 की बात करें तो 10 के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर हमें ये मिलता है, मतलब 10 को प्राइम फैक्टर्स करते हैं तो 2 into 5, तो मतलब अगर हमें वंस प्लेस पे 0 चाहिए तो किसी भी तरह से 2 और 5 मल्टीप्लाई होने चाहिए, या इनका एक पेयर उसमें होना कंपलसरी है। ठीक है, लेकिन इसमें जब हम 6 को ऑब्जर्व करते हैं तो 2 into 3 आ रहा है, 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं है, तो 5 मिसिंग है, इस कारण से ये कभी भी एंड नहीं होगा 0 पे। तो अगर हम और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे हम देखते हैं 20 को, तो 20 को करते हैं तो 2 multiply 10, और 10 को स्प्लिट करते हैं तो 2 into 5 आता है, मतलब फिर से अगर डिजिट 0 में एंड हो रहा है तो 2 into 5 का कम से कम एक पेयर होता ही होता है, जैसे कि यहाँ पर 0 है और 2 into 5 फैक्टर्स आ रहे हैं। 30 की बात कर लेते हैं तो 3 multiply by 10, 10 को फिर स्प्लिट करते हैं प्राइम फैक्टर्स, तो 2 into 5 हो जाता है, तो 2 into 5 फैक्टर होना ही चाहिए अगर डिजिट 0 में एंड होता है। ऐसे ही हम अगर 100 की बात करते हैं तो 10 into 10, देन अगेन 2 into 5, तो मतलब एक पेयर कंपलसरी होना चाहिए, ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन मिनिमम एक पेयर 2 into 5 होना चाहिए, लेकिन वो इसमें नहीं हो रहा है। अगर हम 4 की बात करें जिसमें वंस प्लेस पे 0 नहीं आ रहा है, तो 2 into 2 हो जाते हैं उसके फैक्टर्स, 2 into 2 मींस 0 से एंड नहीं हो रहा है, तो 2 into 2 इसके फैक्टर्स हुए, इसमें 5 नहीं आ रहा है 2 के साथ, तो इसीलिए डिजिट 0 में एंड नहीं हो रहा है। 9 की बात करें तो 3 into 3 होता है, देखिए यहाँ पर भी डिजिट 0 में एंड नहीं हो रहा है, इसी कारण से जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो 2 और 5 नहीं आ रहे, मतलब एक भी पेयर उसमें नहीं आ रहा है। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, अगर कोई भी डिजिट 0 में एंड होना है जैसे कि हमारे क्वेश्चन में था, तो अगर हम उसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं तो वंस प्लेस पे अगर हमें 0 चाहिए या डिजिट 0 पे एंड होना चाहिए, तो उसके लिए कम से कम 2 into 5 का एक पेयर होना ही चाहिए। और इसको फाइनली आंसर में क्या लिखेंगे वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है।